अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई लोग, अभी व्लॉग की जर्नी फिर से शुरू हो चुकी है। तो आज मैं आगे हूँ एक और नए व्लॉग के साथ। तो आज हम जा रहे हैं क्वेटा, हम तीन लोग हैं, मैं, अरसलान और तोही। इसलिए हो जाए फिर व्लॉग श्लोग। अभी तो अपने शहर के स्टेशन पर बैठे हैं, ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। बाकी गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, हालत टाइट हुई पड़ी है यहाँ पर। आप लोग देख सकते हैं गर्मी, धूप इतनी तेज़ है कि पूछे मत। अभी सवाल आता है कि मैं इतने टाइम से क्यों गायब था। तो उसका रीज़न ये था, मेरे पास मोबाइल नहीं था और आज हम लोग जा रहे हैं मोबाइल लेने। और अभी तो ट्रेन भी आ चुकी है, तो बस अभी इसके चलने का इंतज़ार है। और क्वेटा जाने का बस रीज़न यही है कि मोबाइल लेने जा रहा हूँ मैं अभी। तो देखते हैं फिर चल कर, तो उधर चल कर कोई अच्छा सा मोबाइल देख लूँगा व्लॉग्स के लिए। और अभी ट्रेन चल चुकी है और आज का ये व्लॉग भी भाई सोच के साथ ही, तो इन्जॉय करें। और अभी इसी तरह हम अपने शहर को खुदा हाफिज़ कहते हैं और चलते हैं क्वेटा के लिए। इसी तरह सफ़र, कुछ टाइम का सफ़र करने के बाद हम लोग पहुँच चुके हैं अभी सिब्बी। तो अभी सिब्बी से फिर ट्रेन यहाँ पर मेरे ख्याल से रुकेगी कुछ आधा घंटा, फिर क्वेटा के लिए रवाना होगी। तो सामने येलो कलर की ट्रेन रुकी हुई थी और अभी स्टेशन में पहुंच चुके हैं, लगभग पहुंचने वाले हैं। यहाँ पर ट्रेन रुकी हुई है, बस हमने ठंडा ले लिया था, गर्मी बहुत ज़्यादा है और भीड़ भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। तो बस अभी ट्रेन के चलने का इंतज़ार है एक बार फिर से। अभी यहाँ से टनल्स भी शुरू हो चुके हैं, तो यहाँ से हमारे पहली टनल शुरू होती है। वैसे तो टनल के अंदर जाने का मज़ा कुछ और होता है ट्रेन में, लेकिन उनका शोर कुछ ज़्यादा होता है। एक और स्टॉप आ चुका है, इन दोनों के तो अलग ही नशे हैं, बैठे कैसे हैं देखो सर, इनको डर ही नहीं किसी चीज़ का। अभी तो बाहर इतना प्यारा मौसम हो रहा है, देखे कितना प्यारा मौसम हो रहा है। पहले जो है ना रिफ्लेक्शन की लाइट्स आ रही थी। और हमारे साथ इत्तेफाक हो चुका था कि हम लोग भी क्वेटा जा रहे थे और ये बच्चे जो हैं ये भी बख्तराबाद के हैं, ये भी क्वेटा जा रहे थे। इनके साथ इनके वालिद भी थे, वैसे वो इनके साइड में बैठे हुए थे, बाकी ये लोग भी क्वेटा जा रहे हैं। और तो और इस स्टॉप पर हमें एक और भी बख्तराबाद वाले मिलते हैं जो कि अभी यहाँ पर ज़ाहिर होंगे। और ये वाले जो सामने सामने भाई रुके हुए हैं, ये भी बख्तराबाद के ही हैं। तो अभी ये मेरे ख्याल से मचका स्टेशन है, मेरे ख्याल से, क्योंकि मुझे याद नहीं, लेट व्लॉग एडिट कर रहा हूँ।
तो अभी पता नहीं कौन सा स्टेशन है, अगर आप जानते तो आप लोग पता चल जाएगा। तो अभी यहाँ पर हम लोग बैठे हैं, तो इसकी तबीयत यहाँ पर ख़राब हो गई थी। यहाँ पर अभी अरसलान को ट्रेन में एक दोस्त मिल चुका था जो कि पठान फैमिली से था। बहुत पूरे रास्ते में लोगों ने गपशप लगाई, सिर्फ गपशप। अरसलान को भी एक और दोस्त मिल चुका है, और यहाँ पर सारे खिड़कियाँ और दरवाजे बंद करवा दिए थे, पुलिस वालों ने बोला पत्थर आएंगे। और इसी तरह बहुत बड़े सफ़र के बाद हम लोग पहुँच चुके हैं कोयटा। हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, बस पूछें मत। तो अभी घर के लिए जा रहे हैं, हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, फिर पहुँच कर आप लोगों के साथ मिलता हूँ मैं। बस हम घर के बाहर रुके हुए हैं, तो इधर अपनी पुरानी बाइक के मज़े ले रहे हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा और मेरे व्लॉग्स बेहतर रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।